ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अपने फ़ोन पर सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। आइए हम आज के प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की हूँ उसका देख लेते हैं। एक्सटेंशन फाइल अपलोड कर दी हूँ जो कि पेपर वन में NTA NET में हमेशा ही पूछे जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी से। एस्थेटिक्स के कुछ मैं ऑथर और बुक डाल दी हूँ डेट के साथ, इसे चेकआउट कर लें। एक क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं नेट में। क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंसेज ऑफ इन्वेंशन विद डेट के साथ डाल दी हूँ, जो कि नेट NVS KVS DSSSB सारे ही लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस कैसे याद करना है उसका टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ और ये वीडियो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है। रेनेसा आर्टिस्ट के काम में ऐड कर दी हूँ जिसमें वर्क डेट और कौन से वर्क किस म्यूजियम में रखा हुआ है वो डिटेल में है। दोस्तों, आज हम प्रसाद के बारे में बात करेंगे। प्रसाद जो है टेम्पल से रिलेटेड होता है और कौन सा टेम्पल का क्या स्टाइल है वो भी देख सकते हैं आप। थ्री टाइप्स ऑफ प्रसाद है, पहला स्क्वायर, दूसरा सर्कल और तीसरा रेक्टेंगल। तो कौन से टेम्पल में किस तरह के प्रसाद यूज होते हैं वो हम देख लेंगे। जैसा कि आप लोग सन टेम्पल पढ़े होंगे जो कोणार्क में है, उनका जो प्रसाद है स्क्वायर होता है और उनकी स्टाइल जो है नागरा स्टाइल है। दूसरा है कंदड़िया टेम्पल खजुराहो, इनका भी प्रसाद जो है स्क्वायर होता है और इनका स्टाइल जो है नागरा है। तीसरा है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, इनका भी जो प्रसाद जो है स्क्वायर है और स्टाइल जो है नागरा स्टाइल है। चौथा है दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, ये एक जैन टेम्पल है और इनका भी प्रसाद स्क्वायर है और ये टेम्पल नागरा स्टाइल में है। दैट मीन्स कि चारों ही टेम्पल का जो स्टाइल है वो नागरा स्टाइल है और उनका प्रसाद जो है स्क्वायर है। आप देख सकते हैं कि नागरा स्टाइल्स को मैं स्क्वायर के सिंबल से डिनोट की हूँ ताकि आप लोग को याद रह जाए कि नागरा स्टाइल जो है उनके टेम्पल स्क्वायर प्रसाद उसमें होते हैं। और टेम्पल आप चार देख ही लिए हैं, कौन कौन से टेम्पल हैं, सन टेम्पल है, कंदड़िया टेम्पल है, दिलवाड़ा थे और जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। आइए दूसरा हम स्लाइड देख लेते हैं। दूसरे स्लाइड में हम दूसरे टाइप्स की बात करेंगे। दूसरा टाइप आपका है बेसरा स्टाइल। बेसरा स्टाइल जो है कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है वो बेसरा स्टाइल में है। बेसर हिंदी में बेसर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है दशावतार टेम्पल जो कि देवगढ़ झांसी में है और इनका भी स्टाइल बेसर है। दोनों ही टेम्पल जो हैं उनका प्रसाद जो है सर्कल है। कैलाशनाथ टेम्पल और दशावतार टेम्पल दोनों के ही प्रसाद सर्कल हैं। आप देख सकते हैं कि बेसर को मैं सर्कल के अंदर रखी हूँ। ये एक टिप्स है, ट्रिक्स है कि इससे आप याद रख सकते हैं। तो आपने देखा कि स्क्वायर से रिलेटेड जो टेम्पल थे वो चार थे और बेसर से रिलेटेड जो टेम्पल हैं जिनका कि स्टाइल बेसरा है और सर्कल जो है प्रसाद जो है सर्कल है वो आपके दो टेम्पल हैं, कैलाशनाथ टेम्पल और दशावतार टेम्पल। दोस्तों, अब हम तीसरे स्लाइड में आएंगे और तीसरे स्टाइल की बात करेंगे। तीसरा स्टाइल था आपका द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल जो है रथा टेम्पल मामल्लपुरम में देखा जाता है। कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है उनका स्टाइल भी द्रविड़ है और उनका जो प्रसाद है वो रेक्टेंगुलर है। वृद्धेश्वर टेम्पल तंजौर वो भी द्रविड़ स्टाइल में है और उनका प्रसाद रेक्टेंगुलर है। दैट मीन्स तीनों ही टेम्पल जो दर्शाया गया है, रथा टेम्पल मामल्लपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांची, वृद्धेश्वर टेम्पल तंजौर, ये तीनों ही टेम्पल का प्रसाद रेक्टेंगुलर है और इनका स्टाइल जो है द्रविड़ है। नेट के लेवल पे बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रथा टेम्पल मामल्लपुरम का प्रसाद कैसा है। तो ऑप्शन दिया रहेगा रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल और भी एक, आपको सही आंसर उसमें से सेलेक्ट करना है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि कैलाशनाथ टेम्पल कौन से स्टाइल में है,
द्रविड़ में है या फिर कांची में है, सॉरी द्रविड़ में है या फिर बेसर में है या फिर नागरा में है, तो आप लोग को फाइंड आउट करना है सही आंसर। इससे एक ना एक क्वेश्चंस नेट पे आते ही हैं, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। आइए लास्ट में हम सबको एक साथ देख लेते हैं। ये चार टेम्पल जो दिख रहे हैं आपको, सन टेम्पल कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, कंदरिया टेम्पल खजुराहो, दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू जो कि राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा टेम्पल जो है जैन टेम्पल है, और इससे भी नेट में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो टेम्पल किसको समर्पित है। तो ये चारों ही टेम्पल का जो स्टाइल है वो नागरा है, और इनका स्क्वायर प्रसाद जो है, चारों ही टेम्पल का प्रसाद जो है वो स्क्वायर है। प्रसाद किसको बोलते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इंटरनेट में चेक कर लें, या फिर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट प्रसाद किसे बोलते हैं ये नेट में नहीं पूछा जाएगा, तो हम उसे अवॉइड करते हुए सीधे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका बेसर स्टाइल, और उनका जो प्रसाद होता है सर्कल होता है, देख लीजिए सर्कल से मैं डिनोट कर दी हूँ। इसमें दो टेम्पल हैं आपके, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है, और दस अवतार टेम्पल जो कि देवगढ़ झांसी में है। कौन से टेम्पल कौन स्थान में है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत बार नेट के लेवल पे ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि दस अवतार टेम्पल कहाँ है, तो आप लोग को बताना होगा कि दस अवतार टेम्पल जो है देवगढ़ में है, अगर देवगढ़ ऑप्शन रहे, या फिर साथ में दोनों ही ऑप्शन हो सकता है, देवगढ़ भी दे दे और कौमा करके झांसी भी दे दे। तो दोस्तों दूसरा हमने देख लिए, तीसरा हम देख लेंगे। तीसरा हमारा था द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल में हमने तीन टेम्पल देखे थे, और तीनों टेम्पल का नाम है आपका कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है, रथा टेम्पल जो कि मामल्लपुरम में है, और तीसरा है बृदेश्वर टेम्पल थंजौर में, जो कि बहुत ही सुंदर टेम्पल है और इंडिया का बिगेस्ट टेम्पल है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो ये बात भी जान लीजिए। आप लोग को मालूम होगा कि द्रविड़ स्टाइल के बारे में मैं बता दी, और इनके जो प्रसाद होते हैं ये रेक्टेंगुलर होते हैं। अच्छे से याद कर लें, कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।